हम जब लड़की का शादी करते हैं और दहेज में देते हैं गिदड़ सिंगी और एक बीड़ा, जिसे पंजाब में मणका बोला जाता है। इधर हिमाचल में जैंडका में बीड़ा बोलते हैं, जे मणका होता है। जे अगर सांप काट जाए तो लगाकर सभी जहर खींच लेता है। और जे गिदड़ सिंगी होती है, जो दोनों चीज़ें हम लड़की को दहेज में देते हैं, ये हमारे पुरखों का काम है। हमारी परंपरा है कि सभी जो जोगी का सामान होता है, जड़ी बूटी, दो झोले, एक बीन, एक जो बीड़ा और जोड़ा गिदड़ सिंगियों का, जे हमर लड़की को दे दें तो हमारे बहुत बड़ा दाज समझते हैं। ये हमारे पुरखों का शगन है, दाज है। पहले सांप देते थे, अब सरकार ने ये सांप छुड़ा दिए, इस करके अब हम सांप नहीं देते, जो चीज़ें दे देते हैं। गिदड़ सिंगी है, इसका क्या मतलब है, क्या लाभ है इसका? जे अगर किसी काम में ले जाएं तो आदमी काम जीत जाता है। जे अच्छा काम करती है, कारोबार में बरकत करती है। और जे होता है बीड़ा, अगर सांप काट जाए तो इसको कच्ची लस्सी से धोकर लगा दो तो फूल जाता है, ऐसा चिंबड़ जाता है जैसे लोहे को चमक चिंबड़ जाता है। इसकी असली नकली की पहचान होती है, अगर पानी में फेंको, लस्सी में फेंको तो जो बुलबुली निकालेगा, जो बुलबुली निकालता है वो असली मणका होता है, जो बुलबुली नहीं निकालेगा वो असली मणका नहीं होता। ये असली नकली मणके की पहचान है। क्या गारंटी है कि सांप का जहर चूस लेगा? इस पर हमको पूरी गारंटी है। अगर नहीं भरोसा तो कोई भी सांप हो किसी के पास जहरीला, अपने आप लड़ा ले और हमारे पास चला आए, उसके लिए हम लिख कर देते हैं कि अगर जो असली मणका हो तो किसी भी आदमी को नहीं मारने देता। हम जो सपेरा होते हैं, हम सपेरा पहले सांप इसके जरिए पकड़ते थे, इसका हमें इतना लाभ होता था कि इसके भरोसे में हम सांप को हाथ पाते थे। अगर सांप हमें काट जाता था तो जे हम लगाकर बीड़ा बच जाते थे। अगर सरकार ने सांप पकड़ना छुड़ा दिए, इसलिए इसकी कदर कम हो गई। बीड़ा आपको मिलता कहाँ से, जंगल से? जे जब सांप 75 साल की उम्र का हो जाता है तो एक जंगल में जीव होता है जिसे भाड़ी बकरा बोला जाता है, वो सांप को खा जाता है। उस सांप को खाकर गलच करता है, उगाली करता है। जब गाली जग करता है तो उस जग में से जे मणका बनता है। सांप खा के वो गाली करता है, गाली करके वो उसकी जग का ये मणका जो बीड़ा है तैयार होता है। तो जाते हैं जंगलों में, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने लग जाते हैं इसको ढूंढते हुए। इस बीड़े से कभी आपने किसी की जान बचाई हो, ऐसा हुआ है? बहुत लोगों की जान बचाई हमने।